राधा और कृष्ण की कथा। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही, देश विदेश में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। ये भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाह्य रंगों से नहीं खेला जाता, रंग खेला जाता है भगवान नाम का, रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए, रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अंधकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की, और पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर की। शिव पार्वती और कामदेव की कथा। शिव और पार्वती से संबंधित एक कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए, उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा, पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। ये दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने में पीड़ा ना हो। प्रह्लाद और होलिका की कथा। होली का त्योहार प्रह्लाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रह्लाद के पिता असुरराज हिरण्यक्षिपु ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मारेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रह्लाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यक्षिपु ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रह्लाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रह्लाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रह्लाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रह्लाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। कंस और पूतना की कथा। पूतनावध कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का आठवां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। ये जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के सात पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। आठवें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। सुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ लेते आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वो अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाले तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ये सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया।
वो सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। ये फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी।